अमरोहा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को किया गया सम्मानित। बिजनौर के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में 112 डायल गाड़ियों पर सवार होकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुरुगांव के रेलवे स्टेशन पर महटोर के 3 युवकों की सेल्फी लेते समय ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। तीनों युवकों के शव गांव पहुंचने पर मचा कोहराम। चांदपुर में पुलिस ने निकाली बाइक तिरंगा रैली। थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ ढाली बाजार चौक होते हुए कोतवाली पर जाकर संपन्न हुई। सोहरा में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्रों को किया गया पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सोहरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता समिति व निगरानी समिति के माध्यम से तिरंगा रैली कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर HM इंटर कॉलेज नहटोर के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश के वीर जवानों के नारे लगाकर अपनी सच्ची भावना की व्यक्त। रेहड़ के कल्लूवाला में जिला अधिकारी के आदेश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए राजस्व विभाग ने कब्जा मुक्त कराई 2 बीघा जमीन। काम में लापरवाही बरतने के मामले में जिला अधिकारी के आदेश पर महिला लेखपाल को किया निलंबित। मामले की जांच कराने के दिए निर्देश। मुरादाबाद में मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। SP को सौंपा ज्ञापन। धामपुर के प्रियंका जूनियर विंग में जन्माष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे नटखट बच्चों के द्वारा किया गया मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने मटकी फोड़ी एवं एक दूसरे को खिलाई माखन मिश्री। अफजलगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारत माता के चित्र के सम्मुख अखंड भारत के मानचित्र पर किया गया दीप प्रज्वलन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।